दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के तत्वावधान में महंत दिग्विजयनाथ स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन कॉलेज के संवाद भवन में किया गया। कार्यक्रम में पूर्व कुलपति राम अचल सिंह, उच्च शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्र, प्रोफेसर विनोद सोलंकी सहित अन्य शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। संगोष्ठी में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। प्रसंग याद आ रहा, एक संस्कृत पाठशाला में इस व्याख्या को पढ़ूं और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में ऐसे ही एक पक्ष हमारे जीवन दर्शन का, भारतीय जीवन दर्शन का, भारतीय वाङ्मय का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है जिसे हम सत्य कहते हैं। हम सब बचपन से पढ़ते हैं जीवन में सत्य निष्ठा होनी चाहिए, कर्म निष्ठा होनी चाहिए, किंतु हम उसका पालन नहीं कर पाते। हम बार बार सत्य से चुट हो जाते हैं और जीवन में वो प्रकाश प्राप्त नहीं करते जिसका रास्ता सत्य से होकर आता है। ये सत्य कैसा है हम कभी समझने का प्रयास भी नहीं करते। स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो व्याख्यान का ये महीना चल रहा है, पूरे सितंबर पूरे विश्व भर में शिकागो व्याख्यान के उपलक्ष में उत्सव होते हैं, संगोष्ठियां होती हैं। इसलिए याद आ रहा है उनका शिकागो व्याख्यान का प्रथम दिन। एक बड़ा मंच अमेरिका के शिकागो नगर में आर्ट पैलेस, एक बहुत बड़ा हॉल जिसमें 7,500 कुर्सियां लगी थी और एक विशाल मंच बना था जिस पर 70 से 80 महापुरुष जो विभिन्न देशों से, विभिन्न धर्मों के आचार्यों के रूप में वहां आमंत्रित थे, उसी में एक 29 वर्ष का भारत का एक नौयुवक। ये चित्र पहले से ही शिकागो नगर में समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका था, टिकट बिक रहे थे। अमेरिका में हर चीज का टिकट बिकता है, हर चीज वहां पैसे पर है, धर्म संसद के भी टिकट बिक रहे थे। एक कारपेंटर थे, बड़े आदर से उनको संबोधित करना पड़ता है, नाम नहीं याद आ रहा है इस समय, बढ़ई का काम करते थे। उन्होंने भी देखा कि बड़ा समारोह होने वाला है, बड़े बड़े महापुरुष आएंगे, उनका व्याख्यान होगा, मुझे भी सुनना चाहिए। उसने पता किया, टिकट बहुत महंगा था, खरीद नहीं सकते थे और टिकट बिक भी चुके थे। प्रयास करने पर उन्हें एक बहुत कम पैसे का, रियायती दाम का एक टिकट मिला। वो टिकट था कि आप सबसे पीछे की पंक्ति में किसी कोने में खड़े हो सकते हैं, बैठने का स्थान नहीं रहेगा, आप खड़े होकर सुन सकते हैं। वो कारपेंटर सबसे पीछे दीवार से सटकर बिल्कुल कोने में खड़े हो गए। तो ही उनकी दृष्टि सबसे पीछे खड़े उन कारपेंटर पर पड़ी और उन्होंने महसूस किया कि उनके अंदर कोई विद्युत धारा प्रवेश कर गई है, कुछ विद्युत का सा प्रकंपन उन्हें महसूस हुआ और ऐसा लगा कि वो अपनी बाह्य चेतना खो चुके हैं। निस्तब्ध खड़े रहे, बिल्कुल चमत्कृत होकर। पूरा संसद का प्रथम दिन पूरा हो गया। स्वामी विवेकानंद विश्व के महानायक बन गए। उन कारपेंटर को बड़ी इच्छा थी कि वो उनसे मिले, एक बार, मात्र एक बार मिलकर उनका स्पर्श कर ले और उन्हें ये बताते कि उन्होंने क्या सुना। वो बार बार अनुरोध करते गए, मैं भारत के सन्यासी से मिलना चाहता हूँ। लोगों ने कहा कि अब तो वो बड़े बड़े अतिथियों के का स्वागत उन्हें मिल रहा था, एक सामान्य व्यक्ति कैसे उनसे मिल सकता था। किसी ने इसमें उनका सहयोग नहीं किया कि तुम भी उनसे मिल सकते हो, किंतु वो अपने विचार में अटल थे
और उन्होंने निश्चय किया कि मुझे स्वामी जी से मिलना है। कुछ दिनों बाद, लगभग 10 दिनों बाद, स्वामी जी बोस्टन जाने वाले थे। एक छोटा शहर जो सस्ता था, शिकागो से बहुत सस्ता शहर था। उनका पेंटर जी ने सोचा कि मैं वहाँ चलकर रहता हूँ और जब स्वामी जी वहाँ पहुँचेंगे तो मैं उनसे वार्तालाप करूँगा, उनसे मिलूँगा और उनका स्पर्श करूँगा, उनके उस दिव्य देह का मैं स्पर्श करूँगा। ऐसी उनकी इच्छा थी। दिग्विजयनाथ जी ऐसे सत्यान्वेषी हमारे ये ऋषि थे जिन्होंने आधुनिक युग में एक बार फिर से ऋषि परंपरा की स्थापना की।